नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इनके रोकथाम के उद्देश्य को लेकर जांजगीर के ज्ञानोदय कॉलेज में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। मेरा युवा भारत, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित यह शिविर नेहरू युवा केंद्र चांपा और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। सेमिनार में प्रमुख रिसोर्स पर्सन अमित खूटे और सूर्जा कश्यप ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव और रोकथाम के बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने साइबर क्राइम, यातायात नियम और अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने साइबर सुरक्षा के महत्व, ओटीपी धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा के अन्य पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। यूनिसेफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विनोद साहू ने इस आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। यूनिसेफ और जिला प्रशासन और पुलिस विभाग तीनों ही मिल के जो है एक ज्वाइंट एक प्रोग्राम अवेयरनेस का पूरे जिले में चला है, जिसके माध्यम से अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग कॉलेज को हमने लक्षित किया और वहाँ पे साथ में हम पुलिस विभाग के साथ मिलकर ज्वाइंटली हम जो है कैसे हम बच्चों को, युवाओं को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने सड़क सुरक्षा के बारे में हम उनको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है कैसे बच्चे और युवा जो है नशा से जो है दूर रहें और कैसे हम जो है जांजगीर को पूर्ण तरीके से नशा मुक्त जांजगीर चांपा बना सकें, उसके लिए प्रयासरत हैं। वहीं एसआई लल्लन सिंह पटेल ने बताया कि युवाओं को साइबर अपराध से सुरक्षित रहने के उपायों में जानकारी दी गई। जिला में हमर पुलिस हमर संघ अभियान के तहत में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत लोगों को और विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियम और साइबर फ्रॉड के संबंध में जानकारी दी जा रही है। प्रतिभागियों ने कहा कि कार्यक्रम से उन्हें जागरूकता संबंधी कई जानकारियां मिली और जिससे वे आने वाले समय में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हमें साइबर क्राइम, नशे की लत, यातायात नियम, इन सभी के बारे में एक सेमिनार मिला था जिसमें हमको प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया गया है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस सेमिनार से इंस्पायर होकर हम अभ्युदय ऐप को ही चलाएंगे। उसमें जितने भी हम प्रोग्राम आने वाले समय में करेंगे उसमें पोस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ हमें अभिव्यक्ति ऐप की भी जानकारी दी गई है। इस मौके पर युवोदय हसदेव के हीरो ने नवोदय रजिस्ट्रेशन और माय भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया। कार्यक्रम के अंत में नेहरू युवा केंद्र द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।